Welcome student in the AVS class of grade 3. Good morning to all of you. Some people find it difficult to hear as they grow old. In such a case, the doctor tests the ear and asks them to wear a hearing aid. कुछ लोगों को जब ओल्ड एज में होते हैं तो उनको सुनने में बहुत ही कठिनाई होती है. ऐसे में डॉक्टर उनके जो ईयर होते हैं उसका टेस्ट करते हैं और उसको उनको हेयरिंग एड पहनने को कहते हैं. अ हेयरिंग एड इज़ अ स्मॉल डिवाइस विच इज़ अ वॉर्म इन द ईयर. जो हेयरिंग एड है ये छोटा सा डिवाइस है जिसे कान में पहना जाता है. इट मेक्स साउंड लाउडर एंड क्लियर. इससे जो साउंड है वो लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है लोगों को. सम पीपल आर बॉर्न विदाउट द एबिलिटी ऑफ टू हेयर. कुछ लोग जन्म से ही बहरे होते हैं यानी उन्हें सुनाई नहीं देता है. ऑफ्टन सच पीपल कैन नॉट स्पीक आइदर. ऐसे लोग बोल भी नहीं पाते हैं. दे हेयर दे लर्न टू यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ अदर. ऐसे लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने को दूसरे मतलब दूसरों को अपनी बात बताने के लिए. साइन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय यूजिंग हैंड मूवमेंट इंस्टेड ऑफ स्पोकन वर्ड. साइन लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है कम्युनिकेट करने के लिए. ये हैंड के मूवमेंट के थ्रू बताया जाता है. नोज अवर नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट. हमारी जो नोज़ है वो हमारे हेल्प करती हैं सांस लेने में और छोड़ने में. वी कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर द स्मेल ऑफ अवर फेवरेट डिशेज बींग कुकड इन द किचन. नोज़ जो हमारी है वो हमें मदद करती है फ्लावर की खुशबू सूंघने में या फिर किचन में बनाए जाने वाले हमारे फेवरेट डिशेस को. द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फिश इन द फिश मार्केट और इवन ऑफ